हे गाइस, आपको मैं बताना चाहता हूँ सोशल नेटवर्क के ऊपर काफ़ी बड़ा न्यूज चल रहा है। जैसे कि आपको सोशल नेटवर्क जितने भी हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जितने भी सोशल नेटवर्क इंडिया में रन कर रहा है, सभी सोशल नेटवर्क के लिए एक बड़ी न्यूज आ रहा है। सोशल नेटवर्क सारी बैन हो रहा है आज की डेट में सारे सोशल नेटवर्क बैन हो रहा है। तो क्यों बैन हो रहा है, अगर बैन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ में जो बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप सबसे पहले देख पाए। चलिए इस टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। 3 महीने पहले भारत सरकार ने सभी सोशल नेटवर्कों के लिए एक एक गाइडलाइन जारी किया था। जैसे कि सभी सोशल नेटवर्क के लिए गाइडलाइन जारी किया था, गाइडलाइन में लिखा हुआ था कि सभी सोशल नेटवर्कों के लिए एक एक इंडिया में टीम बिठाना पड़ेगा, सोशल नेटवर्कों की एक एक निगरानी, मतलब जितना भी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, सभी के लिए एक एक निगरानी, जैसे कि एक एक टीम बिठाना पड़ेगा। कोई कई फेक न्यूज़ तो फैल नहीं रहा है, फेक न्यूज़ फैल रहा है तो कहाँ से फैल रहा है, फास्ट पोस्ट कहाँ से किया गया है, इन सारी चीज़ को बात को निगरानी रखते हुए जैसे कि भारत सरकार ने एक टीम बिठाने के लिए कहा था सोशल नेटवर्कों के लिए कि यहाँ पर टीम बिठाने के लिए इंडिया में बताया गया था। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ इन सारी बातों को सभी सोशल नेटवर्क ने एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट नहीं करने का कारण, अगर एक्सेप्ट किया था तो लेकिन अभी तक उन्होंने टीम नहीं बिठाया था, लेकिन हाँ जी करूँगा इतना ही बताया था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया था। अभी तक उन्होंने टीम इंडिया में बिठाया नहीं था। कारण ये है कि उन लोगों ने अभी तक टीम बिठाया नहीं था। एक एप्लीकेशन ने टीम बिठाया, उसका नाम है कू। जैसे कू एप्लीकेशन है, जैसे कि ट्विटर की तरह एक एप्लीकेशन है, उसने यहाँ पे इंडिया में टीम बिठाया है, लेकिन बाकी जितना भी एप्लीकेशन है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जितना भी एप्लीकेशन है, इन्होंने अपनी अपनी टीम यहाँ पे इंडिया में नहीं बिठाया। टीम नहीं बिठाने का कारण, लास्ट डेट है आज 26 तारीख है, जो भी टीम बिठाएगा, टीम बिठाने का कारण यही है, सभी सोशल नेटवर्क में, मतलब सभी सोशल नेटवर्क में निगरानी रखा जाएगा ताकि आपको कोई फेक न्यूज़ तो फैल नहीं रहा है। अगर सही न्यूज़ फैल रहा है तो सरकार के साथ साझा करें, अगर कोई फेक न्यूज़ फैल रहा है तो सरकार के साथ वो भी साझा करें। और सभी सोशल नेटवर्क में निगरानी रखा जाएगा ताकि आपको कोई फेक न्यूज़ तो फैल नहीं रहा है। अगर सही न्यूज़ फैल रहा है तो सरकार के साथ साझा करें, अगर कोई फेक न्यूज़ फैल रहा है तो सरकार के साथ वो भी। आपको मैं बताना चाहता हूँ इतना सारा मार्केटिंग, जैसे कि आपको सभी सोशल नेटवर्क इतना सारा मार्केटिंग से जुड़ी हुई है ताकि सभी सोशल नेटवर्क बैन तो नहीं होगा, लेकिन सरकार के साथ थोड़ा टाइम मांग सकता है, सेटअप करने में थोड़ा टाइम दीजिए। तो भारत सरकार के साथ यही उनके साथ साझा होगा, साझा होने के बाद आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ पे टीम बिठाया जाएगा सभी सोशल नेटवर्क के द्वारा, सेटअप बिठाया जाएगा, जो भी टीम बिठाया जाएगा, टीम बिठाने के बाद आपको यहाँ पे जितने भी सोशल नेटवर्क में एक अच्छा मतलब निगरानी होगा, ताकि आपको ये निगरानी होने का काफ़ी फायदा है, ताकि कोई फेक न्यूज़ ना फैले और सही न्यूज़ फैले तो वो सरकार के साथ साझा करे, तो एक्टिविटी रहे सभी सोशल नेटवर्क में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अगर वीडियो को पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।